5% आबादी को इन्होंने स्वच्छ पेयजल दिलाने का इन्होंने काम किया। लोगों को स्वच्छ पेयजल चाहे हैंडपम्प के माध्यम से हो या चाहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर स्तर पर हमने काम किया। लंबे समय से वहाँ पे एक सड़क की मांग थी नन्नी से जामुल तक थी, वो रोड आज की तारीख में बन के तैयार हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि हमारे विधानसभा में 400 स्वामी आत्मानंद स्कूल दिए। उनको महिला समूह को भी उनके गांव-गांव में ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार दिया जाता है। 5 लाख से ज़्यादा परिवारों को घर बैठे बैठे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। नमस्कार, खास मुलाकात खास शख्सियत में आज हमारे बीच मौजूद है रुद्र गुरु जी, जो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। आज इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका विभाग ने जन कल्याण जो का योजना चल रही है सरकार की, वो उसमें क्या उनका क्या योगदान है। सबसे पहले गुरु जी, आपका इंडियन न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। गुरु जी, मेरा पहला सवाल है कि आप चूँकि PHE मंत्री है, पूरे छत्तीसगढ़ को पानी पिलाने का दायित्व आपके पास है, तो आप इन 4.5 साल में आपने क्या क्या कार्य किया, हमारे दर्शकों को विस्तार सकता है। इन 4.5 सालों में जब हमें यह विभाग पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी राहुल जी तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और इनके द्वारा जब यह विभाग हमें जब मिला था तो हमें हमारी तो ये खुशी की बात थी, क्योंकि पानी पिलाने पुण्य का काम होता है। पर दुख की बात इसमें यह भी थी कि 15 साल भाजपा की सरकार रही, और हमारा जो छत्तीसगढ़ है, पूरे छत्तीसगढ़ में महज भाजपा सरकार के द्वारा सिर्फ 7% आबादी को इन्होंने स्वच्छ पेयजल दिलाने का इन्होंने काम किया था। शुरू के एक साल जो हमारा रहा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए, प्रदेश का दौरा करते हुए, हमने नई नई योजनाएं भी हमने बनाई। इसमें कई सारी योजनाएं होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स सोर्स योजना, नल जल योजना, ग्रुप वाटर स्कीम इत्यादि, इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं को मिला के मुझे आज के तारीख में ये बताते खुशी होती है कि हमने उस 7% को बढ़ा के आज की स्थिति में 55% आबादी को हमने स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम किया है। और निरंतर आज भी हमारा विभाग प्रतिदिन 7,000 से 10,000 कनेक्शन प्रतिदिन लोगों को उपलब्ध करा रहा है। और जबकि इस बीच 2 साल कोरोना काल भी रहा, जिसकी वजह से लॉकडाउन के कारण काम करने में असुविधा भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मेरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी तेज़ी से इन्होंने काम किया। गुरु जी, एक देखने में आया कि जो नल जो हैंडपम्प योजना, उसमें भी करोड़ों के काम हुए हैं, लेकिन अभी जो शिकायतें मिलती है कि जहां पर लग रहा था वहां ना लग के दूसरी जगह लग गया। कितने हैंडपम्प पूरे प्रदेश में लगे हैं और अभी क्या स्थिति है? हैंडपम्प का इसमें वो मांग आधारित हुआ होता है, चाहे जनप्रतिनिधि हों या आम जनता जब हमारे पास आती है तो उनकी मांग के हिसाब से सार्वजनिक स्थल पे हैंडपम्प का खनन होता है और उसके माध्यम से लोगों को पानी मिलता है। पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कराया गया, और आज भी लोगों को स्वच्छ पेयजल चाहे हैंडपम्प के माध्यम से हो या चाहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री जी, आपके विधानसभा से लगा बेमेतरा विधानसभा है, वहाँ पर खारे पानी की समस्या देखी जा रही थी। जब BJP गवर्नमेंट थी तब भी वो समस्या थी, चूँकि वहाँ के मंत्री भी थे दयालदास जी, तो उस समय भी वो समस्या थी और आज भी कुछ एरिया में अभी जो खारे पानी की समस्या है, इसको दूर करने के लिए योजना बनी थी। क्या योजना थी और उसमें कितना काम हुआ? वहाँ पे एक ग्रुप वाटर स्कीम बन के ना तैयार हुई है और भी गाँव को अगर उसमें ऐड करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको ऐड किया जाएगा। बेमेतरा के अलावा पूरे प्रदेश में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे वाटर लेवल या तो बहुत ज़्यादा गिर गया है या फिर वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे जगह के लिए मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि पूरे प्रदेश में 77 मल्टी विलेज स्कीम हमने बना के तैयार किया गया और जिसका टेंडर भी लग चुका है, और बहुत जल्द ऐसे जगहों पे जहाँ पे फ्लोराइड युक्त हो या फिर
वाटर लेवल जहाँ पे गिर गया हो ऐसे जगह पे बहुत जल्द पानी लोगों को उपलब्ध हो। अब आपके विधानसभा की बात करें अहवारा विधानसभा की, और देखने में आता है कि चूँकि जो शहरी बेल्ट है भिलाई 3 जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का निवास है और लगातार मंत्रियों का वहीं से आना जाना होता है, भिलाई 3 का विकास आखिर क्यों पिछड़ रहा है? सबसे पुराना भिलाई 3 है, पुरानी भिलाई बोला जाता है, तो उसका विकास के लिए क्या काम अब तक हुआ है? जी निरंतर वहाँ के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर स्तर पर हमने काम किया है। करोड़ों की योजनाएं वहाँ पे चल रही है, करोड़ों के विभिन्न समाजों को भवन भी दिए गए, और मुझे ये भी बताते खुशी होती है कि लंबे समय से वहाँ की जो मांग रही कि वहाँ पे तहसील खुला जाए, भिलाई 3 में तहसील संपूर्ण पूर्ण तहसील कार्यालय खोलने के साथ साथ SDM कार्यालय भी हमने वहाँ खोला ताकि लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके, वरना उनको दूर दूर तक अपने काम कराने के लिए ना उनको ना जाना पड़ता था। और मुझे तो ये बताते खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं मेरे विधानसभा में हमको दो दो तहसील दिए, एक भिलाई 3 में और दूसरा प्रॉपर अहिवारा में। और इसके अलावा मेरे को ये भी बताते हुए खुशी होती है कि लंबे समय से वहाँ पे एक सड़क की मांग थी नन्नी से जामुल तक की, वो रोड आज की तारीख में बन के तैयार हो चुका है। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक जो है कि हमारे बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोले, गरीब बच्चे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि हमारे विधानसभा में 400-500 आत्मानंद स्कूल दिए, और बाकी गाँव में तो विभिन्न गाँव के मांग के अनुरूप अनेकों कार्य भी हुए हैं। मंत्री जी आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि आपके विधानसभा में दो दो सीमेंट फैक्ट्री है, स्थानीय रोजगार की बात मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, आपकी सरकार भी करती है, लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पर केवल डेली बेसिस पे जो स्थानीय लोगों को रखा जाता है परमानेंट नहीं किया जाता, तो उसके लिए क्या प्रयास किया गया? वहाँ पर 2-3 प्रकार की बातें हैं, दो सीमेंट फैक्ट्री के अलावा और भी छोटी छोटी बहुत सी फैक्ट्री हैं जहाँ पर लोगों के उन्होंने जितनी पढ़ाई की है या फिर ये कहें कि ना उनके क्षमता अनुसार वहाँ पे कईयों को की नौकरी तो हमने भी लगवाई लोगों की जनता के मांग के अनुरूप, और आगे भी चाहे फैक्ट्रियों के माध्यम से गांव का विकास भी हो, उनके CSR फंड से जो उनसे लगे हुए जो गांव हैं या फिर यूँ कहें कि ना जो ना प्रभावित गाँव जो है वहाँ के लोगों को वहाँ के विकास के लिए फंड भी हमने उपलब्ध करवाया। तो निरंतर हमारे स्तर पे हर फैक्ट्रियों से जो सहयोग मिलना चाहिए वह लेते रहे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ PHC मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी मौजूद है, हम इनसे और सवालों के जवाब लेंगे। सुविधायुक्त महिमा हॉस्पिटल उतई जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज, स्त्री एवं प्रसूति रोग, BP, शुगर, हृदय रोग, चर्म एवं गुप्त रोग, नेत्र एवं कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे होगा इलाज, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। पता मेन रोड उतई, मोबाइल नंबर 07827711, 9907127097, 9285005609। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हमारे साथ मौजूद है PHC मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी, इनसे सवाल हम पूछते हैं और उनसे सवाल को उत्तर लेते हैं। गुरु जी आपसे, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय और है ग्राम उद्योग जी, तो चूंकि ग्राम उद्योग का सीधा सीधा मतलब है ग्रामीणों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको उद्योग का रोजगार उपलब्ध कराना, तो ऐसे कितने रोजगार आपके विभाग के द्वारा ग्रामीणों को तक पहुँचे और उनको लाभ मिला? हमारे ग्राम उद्योग विभाग में कई प्रकार के घटक आते हैं, मतलब निगम, इसमें एक आता है हमारा हस्तशिल्प, उसमें हस्तशिल्पियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, उनको अकोंडा गांव में हस्तशिल्प की सिटी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खोला गया ताकि वहीं लोकल लोगों को वहां पर रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ हमारा दूसरा जो उसमें जो घटक आता है वह है माटी कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड में कुम्हार लोगों को इलेक्ट्रॉनिक चाक
हम वितरण करते हैं, जिनके माध्यम से वह घर बैठे बैठे मिट्टी के बर्तन बना के उनको अपना रोजगार मिल सके। इसी तरीके से चार जगह पे फैक्ट्रियां भी चल रही हैं जहाँ पे कुम्हार लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। साथ ही साथ इसमें फिर खादी ग्राम उद्योग है। खादी ग्राम उद्योग में महात्मा गांधी जी के बतलाए हुए रास्ते को अपनाते हुए उसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, कपड़े से लेके अगरबत्ती तक। इसी प्रकार से इसमें बुनकरों को, हमारा एक घटक है जिसमें बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, धागा उपलब्ध कराते हैं उनके द्वारा, साड़ी का या फिर विभिन्न प्रकार के जो आइटम होते हैं जैसे कि टॉवेल हो गया, बेडशीट हो गया, कपड़े हो गए, बच्चों के स्कूली ड्रेस हो गए, ये सबको मिला के उनके द्वारा काम कराया जाता है। साथ ही साथ महिला समूह के द्वारा भी उनको, महिला समूह को भी उनके गांव-गांव में ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार दिया जाता है। फिर हमारे जो बाकी विभाग जो है, बाकी मंत्रियों से उनसे सहयोग लेके उनके विभाग में, चाहे अब जैसे कि महिला बाल विकास में साड़ी भी सप्लाई होती है, जो साड़ी हमारे विभाग में बनती है, इसी तरीके से पुलिस विभाग में उनको वर्दी भी सप्लाई होती है। विभिन्न विभागों के लिए इसमें अलग अलग चीज़ें जो हम बना के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। और मेरे को ये भी बताते खुशी होती है कि इन 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 5 लाख से ज़्यादा परिवारों को घर बैठे बैठे रोजगार उपलब्ध कराया, जबकि लॉकडाउन जैसे जो ना 2 साल की जो स्थिति जो रही जिसमें लोगों को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घर तक सीमित रहना पड़ा, वहाँ लॉकडाउन में ही हमने हमारे विभाग के द्वारा, चाहे स्व सहायता समूह हो या चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो, लोगों को घर बैठे बैठे हमने धागा उपलब्ध कराया, विभिन्न प्रकार की चीज़ें अलग अलग घटक से हमने उपलब्ध करा के 2 लाख से ज़्यादा लॉकडाउन में ही हमने लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया। तो इस हिसाब से हमारा जो ग्राम उद्योग विभाग है निरंतर नई नई योजनाएँ बनाते हुए अपना काम कर रही है। साथ ही साथ इनको जो ये जो सामान जो बनाते हैं, चाहे साबुन हो गया, चाहे अगरबत्ती होगी, दिया हो गया, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की बिक्री हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी जिलों में सी मार्ट खोला गया, जिनके माध्यम से हम इनके बनाए हुए सामानों को कि हम बिक्री करते हैं। साथ ही साथ हमने एक नई चीज़ की भी हमने शुरुआत की कि ऑनलाइन जो पोर्टल्स होते हैं जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह जो होते हैं, इनसे हमने कॉन्टैक्ट करके विभिन्न कई ऐसी ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से भी सामानों की हम बिक्री कर रहे हैं और जिसका हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। तो निरंतर पिछले 4.5 साल में हमारे विभाग के द्वारा लोगों को घर बैठे बैठे लाखों लोगों का रोजगार। मंत्री जी, एक चीज़ देखने में आया है कि जब से चाइना के आइटम मार्केट में आए हैं तो जो कुम्हार है, और जैसे दीपावली के समय हमने कई बार स्टोरी क्रिएट की है, तो वहाँ पर जो कुम्हार अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि उनका सामान कोई नहीं लेते, चाइना का आइटम लेते, तो जो कुम्हारों की जो दशा अभी स्थिति है उसको सुधारने के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? जैसे कि हमने बताया आपको, निरंतर हमारा जो माटी कला बोर्ड है उनसे संपर्क में रहता है, और चाहे त्योहारों के समय तो उनको जो बिक्री होती है उसके अलावा भी उनको इलेक्ट्रॉनिक चौक, पहले सिंपल चौक आता था, इलेक्ट्रॉनिक चौक के माध्यम से तेज़ी से इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के बर्तन, चाहे दिए हों, प्लेट्स हों, कप हों, यहाँ तक कि रोटी पकाने का भी जो तवा होता है वो बनाया जाता है, पानी पीने के लिए ना बोतल बनाया जाता है मिट्टी का, इस प्रकार की विभिन्न चीज़ों का इनके द्वारा निर्माण करा के, जैसे हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को शुरू से इस चीज़ की चिंता रही है कि लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आय का साधन बने। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नई योजना चालू करते हुए सभी जिलों में स्मार्ट इन्होंने खोला, जिसके माध्यम से इनको रोज़गार उपलब्ध हो रहा है। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि नरवा गरवा बाड़ी योजना, चूँकि ग्रामीण परिवेश में ये योजना चल रही है और वहाँ पर भी PHE और आपके ग्राम उद्योग का रोल है,
तो ऐसे कितने जो नरवा गरुआ भाड़ी में जो जैसा स्व सहायता समूह की महिलाएं है या नरवा गरुआ में जैसा पानी का व्यवस्था, तो ऐसा कितना काम हुआ है पूरे प्रदेश में हम जानना चाहते हैं। जैसे कि गोठान जो 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 जाता है, गोठान में हमारे विभाग के द्वारा बोर किया जाता है ताकि वहाँ पे पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे। साथ ही साथ जैसे कि हमने गोठान में मतलब वहाँ पे कि हर गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता रही कि पलायन ख़त्म हो, तो इस कारण गोठान के माध्यम से महिलाओं का चाहे पुराना ग्रुप हो या नया ग्रुप बना के वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्य उनको उपलब्ध कराए जाते हैं और वहाँ पे उन कार्यों के माध्यम से उनको रोज़गार उपलब्ध होता है और उसके माध्यम से चाहे वह गांव से ही अपना माध्यम बना के उसको बेचें। नहीं तो हमने जैसे कि बताया कि हर जिले स्तर पे हमने सी मार्ट खोला है, उसके माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं। मंत्री जी, मेरा सवाल था कि अब राजनीति से चूँकि विभाग से आपकी बात हो चुकी है, अब विभाग के बारे में आपने जानकारी दी, अब राजनीति चूँकि 5 साल होने जा रहे हैं, अभी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो पिछले 4.5 साल में जो काम जो किया, हमने ये साबित किया कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वह करके दिखाती है। पिछले चुनाव में हम 36 वादे लेके हम जनता के ना बीच में गए थे, जिनमें से सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ़ किया। हमने जो कहा था 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य हम देंगे, उसको कंटिन्यू रखते हुए आज की तारीख में 2640 रुपया हम किसानों को धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के द्वारा उस समय अड़ंगा लगाया गया कि हम मतलब सेंट्रल की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके द्वारा अड़ंगा लगाया गया कि हम किसानों को धान का समर्थन मूल्य ना दें। तो उसके बाद हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लागू करते हुए हमने लोगों को किसानों को समर्थन मूल्य देना हमने लागू रखा। सिर्फ धान ही का नहीं बल्कि मिलेट्स वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं उनको भी हमने समर्थन मूल्य में हमने खरीदना शुरू किया। बस्तर तरफ अगर जाए जंगलों तरफ तो वहाँ पे रोजगार के लिए जो तेंदुपत्ता जो संग्रहण करते हैं उसकी राशि बढ़ाते हुए 4000 हमारे सरकार ने की, बिजली बिल हाफ किया और मतलब 36 में से 32 वादे हमने पूरा करके ये साबित किया कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है, बल्कि इससे बढ़कर विभिन्न छोटी बड़ी योजनाओं को मिलाकर आज की तारीख में पूरे छत्तीसगढ़ में 51 ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सीधा प्रदेश की जनता को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इनके नेतृत्व में जिस तरीके से हमारी सरकार ने काम किया, हमें तो पूरा यकीन है छत्तीसगढ़ की जनता पे, क्योंकि हमने उनके लिए काम किया है कि इस चुनाव में हमें 75 पार सीट हमें जिता के हमें देगी और दोबारा कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। मंत्री जी, सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा कि चूंकि अब इस विधानसभा में एक राष्ट्रीय पार्टी और आ रही आप, और बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, वो भी लगातार दौरा छत्तीसगढ़ कर रहे हैं और वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता हैं, कितना प्रभाव होगा इनका आना, जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के आ रहे हैं और जो आप पार्टी 90 विधानसभा में खड़ी हो अपने प्रत्याशी खड़े कर उतार रहे? पहली बात, अगर आप पार्टी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल उनका अस्तित्व नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं आप पार्टी, जिसका रिजल्ट उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई उनके बहकावे में आ गया तो वोट काटने का काम करेंगे हम लोग, और हमारे हिसाब से तो उनका होना नहीं होना एक बराबर। रही बात बीजेपी की, तो चुनावी समय है, निरंतर नेताओं का आना जाना लगे रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सेंट्रल में वादा खिलाफी की है, पूरे देश को इन्होंने जिस तरीके से ठगा है, जिस तरीके से महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, तो निश्चित तौर पे जनता भी इस चीज़ को समझ रही है और कितने भी नेता आए जाए छत्तीसगढ़ में इसका असर नहीं पड़ने वाला। चूंकि आप सामाजिक गुरु है और जगत गुरु का दर्जा आपको प्राप्त है, जगत गुरु और धर्म गुरु में क्या अंतर है, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, चूंकि हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि बहुत कंफ्यूजन है उनके मनों में कि जगत गुरु और गुरु जो धर्म गुरु। जी, हमारे यहाँ समाज में गुरु प्रथा चले आई है, परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के हम 6वीं पीढ़ी के वंशज हैं और शुरू से हमारे परिवार में एक ही लड़के होते हैं, बाकी परिवार के और भी लोग रहते हैं, तो
जगत गुरु का तो टाइटल मतलब पहले ही दादाजी परदादा जी के समय से हमें मिला हुआ है, और जो हमारे परिवार के जो लोग जो होते हैं वो क्योंकि परिवार के हैं इसलिए उनको धर्म गुरु के तौर पे उनको माना जाता है। और यहाँ पे पूरे समाज के जो संचालन जो होता है, हमारा जो मुख्य मंदिर जो है गिरौतपुरी, जहाँ पे हर साल 20 लाख से ज़्यादा, ये सरकारी आंकड़े ही आपको मैं बता रहा हूँ, 3 दिन का मेला रहता है, 20 लाख से ज़्यादा वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। इवन पिछले कुछ सालों से ना तो ना ये भी देखने को मिला कि ना कि फॉरेनर्स भी आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो एक गद्दी परंपरा चलती आई है, उस गद्दी परंपरा के हिसाब से हमारा जगत गुरु है, बाकी परिवार के लोग हैं, उन लोग सामाजिक रीति रिवाज बाबा जी के जो बनाए जो कायदा कानून है उसका प्रचार प्रसार का उन लोग काम करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। ऐसे ही आपको बताना चाहूँगा ताकि क्योंकि एक ही समय पे सब जगह हमारा पहुँचना सब संभव है नहीं, तो काम को ना बांटना पड़ता है। इसी प्रकार से राजमहल बना के रखे हैं जो कि हर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। राजमहल के बाद जिला महंत होते हैं, उसके बाद तहसील महंत होते हैं, ब्लॉक महंत होते हैं, गांव-गांव में भंडारी और साटीदार होते हैं जो परंपरा को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं और रीति रिवाज को समाज में प्रचार प्रसार करते हुए एक समाज को जो बाबा जी का जो बनाया हुआ जो समाज है जिसको सत्य के मार्ग में चलना बाबा जी सिखाए हैं उसको सत्य के मार्ग में चलाने का काम किया जाता है। मंत्री जी, मैं पुनः PHE डिपार्टमेंट में आना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ अब तक जनता को नहीं पहुंच पाया है और कितना अगर पहुंचा है तो कितना? ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका लाभ जनता को ना मिला हो। जैसे कि मांग के आधार पर जहाँ पे बोर की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम बोर करवाते हैं, बोर के माध्यम से सार्वजनिक स्तर पे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होता है। इसके अलावा स्पॉट सोर्स होता है, स्पॉट सोर्स में पानी टंकी का निर्माण करके हम लोगों को पाइपलाइन का विस्तार करके हम लोगों को तक हम स्वच्छ जल उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से नल जल योजना होता है, उसमें पाइपलाइन का एक्सटेंशन करते हुए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि पाइपलाइन का हम एक्सटेंशन जो कर रहे हैं, जब हमारी जब सरकार बनी थी उस समय भाजपा सरकार के समय एक नियम था कि आबादी के हिसाब से जहाँ ज़्यादा आबादी है वहीं पर सिर्फ नल जल योजना लागू हो। तो उस मेरे पहले बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके हमने सबसे पहले वो जो आबादी की जो लिमिटेशन जो था उसको हमने समाप्त किया। दूसरी ये थी कि जो लोग पैसे वाले लोग होते थे वह एक निर्धारित शुल्क पटा के अपने घर तक नल कनेक्शन लेते थे, उसको भी हमने समाप्त किया। और मेनी माता अमृत धारा योजना के नाम से हमने लोगों को मुफ्त में नल कनेक्शन देना शुरू किया। फिर उसके बाद उसी थीम को अपनाते हुए JJM आया, JJM में जिसमें 50% हमारा अंश होता है। और काम के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बजट अलॉट करते गए और आज के तारीख में हम इवन जहाँ पे फ्लोराइड वाले पानी होते हैं या रासायनिक पानी होते हैं या फिर जहाँ पे वाटर लेवल एकदम गिर जाता है जैसे कि कोरबा टाइप का जो एकदम फैक्ट्री बेल्ट होता है, ऐसे जगहों पे हमने मल्टी विलेज स्कीम बनाया है। मल्टी विलेज स्कीम में अब जैसे कि एक नदी मिश्र में हम इंटैक वेल का निर्माण करते हैं, नदी में या फिर डैम में वहाँ पे इंटैक वेल का निर्माण करके एक मोटी पाइप को से हम पानी का स्रोत हम लेते हैं। थोड़े आगे में एक फिल्टर प्लांट का निर्माण होता है, फिल्टर प्लांट में पूरा पानी फिल्टर होता है, जिस तरीके से अपन लोग बॉटल वाला पानी पीते हैं पूरा उस तरीके से पानी फिल्टर्ड होता है। फिर वहाँ से पाइपलाइन का एक्सटेंशन करते हुए 20 गांव, 22 गांव, 15 गांव ऐसे का इतने गांव को लेकर मल्टी विलेज स्कीम बनती है। तो हर गांव में पानी टंकी का निर्माण होता है, जहाँ छोटा गांव है वहाँ पे एक टंकी, जहाँ बड़ा गांव है गांव के आवश्यकता अनुसार 2 या 3 टंकी बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो बनाते हैं। और उसमें एक्सटेंशन करते हुए पाइपलाइन का घर के अंदर तक आज के तारीख में हमारी सरकार मुफ्त में नल कनेक्शन दे रही है। और
लोगों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, इत्यादि के लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो योजनाओं का संचालन करते हुए, जैसे कि मैंने बताया, आज की तारीख में महज कुछ ही समय हम लोग को मिला काम करने का, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन में गया, उसके बावजूद भी महज कुछ ही समय में हमने पूरे प्रदेश की 55% आबादी को हमने स्वच्छ पेयजल देने का काम किया है। और बहुत जल्द 2024 के अंत तक पूरे प्रदेश में हमारी योजना बन के तैयार है, सर्वे हो के तैयार है, DPR बन के तैयार है, निरंतर टेंडर लगते जा रहे हैं, ऑनलाइन टेंडर लगते हैं, और इसके माध्यम से हम लोगों को 2024 के अंत तक अपना पूरे प्रदेश में एक एक घर में हम मुफ्त में नल कनेक्शन दे के स्वच्छ जल उपलब्ध करेंगे। आपने जल घर तक पहुंचा दिया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जितनी नदियां हैं वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया का पानी डायरेक्ट केमिकल पानी डायरेक्ट नदी में पहुंच रहा है, जिसके कारण नदियां प्रदूषित हो रही है। इसके लिए चूंकि वो एजुकेशन विभाग से रिलेटेड है, लेकिन PHE का भी काम है, चूँकि पानी वहीं से नदी से ले रहे हैं आप, तो जो ये कर रहे हैं इनके लिए कोई कड़ा प्रावधान आपके द्वारा बनाया जा रहा है या उसके लिए सोचा जा रहा है? निश्चित तौर पे इसमें जल संसाधन मंत्री जी से हमारी चर्चा कई बार हुई है जी। उसके लिए क्योंकि ये चीज़ जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, माननीय संबंधित विभाग के मंत्री जी के द्वारा समय समय पे जहाँ पे कढ़ाई करनी पड़ती है और कढ़ाई करते हैं, ताकि वह फैक्ट्री गंदा पानी नदी तक ना छोड़े जी। एक पुरानी कहावत है जो सबके सब बोलते आए हैं, जल है तो जीवन है जी। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से सबको ये भी बोलना चाहूँगा कि जल है तो कल है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम जल को संवार के रखेंगे, अगर उसका वेस्टेज नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे कल हमें जल उपलब्ध हो पाएगा, वरना फिर जीवन ही दुभर हो जाएगा। मंत्री जी, हमारे दर्शकों को एक अंतिम संदेश, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप हमारे दर्शकों को दीजिए? मेरा आप सबसे यही कहना है, PHE मंत्री होने के नाते, कि जल है तो कल है, आप सब जल को संभाल के रखें, उसका दुरुपयोग ना करें, वेस्टेज ना करें, जो कि कई जगह पे ना देखने को मिलता है कि पानी आ रहा है, टैप को तोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, ऐसे में वेस्टेज बहुत होता है। आज के तारीख में जल स्तर बहुत ज़्यादा पर्यावरण के कारण नीचे गिर गया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सबकी कि उसे संवार के रखें, संभाल के रखें, और आप सबसे यही आशा करता हूँ। बाकी आप सब पे परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का आशीर्वाद बना रहे, जय हिंद जय सर। आपने इंडियन न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ये थे PHE मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी। इनका कहना है कि अगर आज से हम जल का संरक्षण और संवर्धन नहीं करें तो भविष्य में जो जल की समस्या बढ़ेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। 7% आबादी को इन्होंने स्वच्छ पेयजल दिलाने का इन्होंने काम किया, लोगों को स्वच्छ पेयजल चाहे हैंडपम्प के माध्यम से हो या चाहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर स्तर पर हमने काम किया। लंबे समय से वहाँ पे एक सड़क की मांग थी, नन्नी से जामुल तक थी, वो रोड आज की तारीख में बन के तैयार हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि हमारे विधानसभा में 400 स्वामी आत्मानंद स्कूल दिए, उनको महिला समूह को भी उनके गाँव में ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार दिया जाता है। 5 लाख से ज़्यादा परिवारों को घर बैठे बैठे रोजगार उपलब्ध कराया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है।